हेलो दोस्तों, ये जुपिटर में करंट नहीं आ रही थी, स्टार्टिंग करंट नहीं थी, वायरिंग वगैरह पूरा कटा हुआ था इसका। तो इसका वायर वगैरह सारा चीज़ चेक करके हमने इसे ठीक किया। वायरिंग का प्रॉब्लम है, बहुत दिक्कत होता है। एक इंजन से इसका साउंड आ रहा है, वो तो मेरे ख्याल से वाइब्रेटर गोली का है, उसे हम चेंज कर देंगे रोलर गोली का, कल करेंगे इसे। तो रात ज़्यादा हो गया तो इसका काम कर दिए। और वो जो पल्सर खड़ी है उसमें सेल्फ वगैरह, लाइट वगैरह, हॉर्न वगैरह कुछ भी नहीं जल रहा था। उसका बीसीयू ख़राब था, बीसीयू में तो बाईपास भी नहीं कर सकते, तो दिमाग ख़राब हो जाता है ना ही। आप चेक कर सकते, उसे डायरेक्ट चेंज करके चेक कीजिए, ऐसा सिस्टम है इसमें, घटिया सिस्टम है। आपको बीसीयू अगर ख़राब है तो पूरा आपको चेंज करना पड़ेगा। ये ख़राब था इसका, ये वाला इसका ख़राब था, ये आपको चेंज, ये हमने चेंज किया। और एक स्विच भी ख़राब था उसका, राइट साइड का स्विच ख़राब था, वो भी हमने चेंज किया, ये वाला हमने चेंज किया। तो मैं जुपिटर से ही घर चल जाऊंगा, क्योंकि चेक भी हो जाएगा और बाकी गाड़ियां अंदर कर दूंगा। टीवीएस का पार्ट्स लेकर आए हैं, तो इसे भी हम भी मिलाए नहीं स्लिप से, इसे भी मिलाएंगे, सुबह मिलाएंगे, अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं, सुबह आएंगे ना उस टाइम मिलाएंगे। टीवीएस का स्पेयर पार्ट्स इतना महंगा है कि मत पूछिए। टीवीएस का कोई भी जेन्युइन पार्ट्स लिए तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली आता है। इसका इग्नाइटर कॉइल का दाम था 1660 या 1665 रुपये दाम था, और क्लच का गोली का दाम है 340 के आसपास इसका दाम है। सबसे ज़्यादा तो मीटर सेंसर का दाम है अपाची का 1735 रुपये, सिर्फ एक वायर, जो पल्सर में एक वायर रहती है ना, बस वही वायर इतना कॉस्टली आता है। लेकिन क्या करें, गाड़ी तो चलना है ना, जैसे जितना पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है उतना ज़्यादा तो गाड़ी भी बिक रही है, ऐसा तो नहीं कि गाड़ियाँ कम बिक रही है। तो अब निकलेंगे सर, क्योंकि लड़के लोग पहले चले जाते हैं, एक 11 बजे के आसपास मैं छुट्टी दे देता हूँ, उसके बाद मैं ही रहता हूँ, उसके बाद तक गाड़ियाँ वगैरह अंदर करके जाऊँगा सर। वायरिंग वगैरह काम में इंजन से ज़्यादा झमेला हमको लगता है वायरिंग का काम में कोई वायर नहीं मिल रहा है, कटा हुआ है, ये वो क्या बताऊँ, कोई कॉइल उड़ा हुआ है, कॉइल नहीं मिल रहा है। कस्टमर को वो सब नहीं झेलना है ना, वो सब हमें झेलना है, उन्हें कंप्लीट करके गाड़ी देना। आप पार्ट्स कहाँ से लाओगे वो आपका प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम नहीं है, हमें गाड़ी कंप्लीट चाहिए, ऐसा होता है। तो चलते हैं घर, सारा टूल्स वगैरह सब समेट देते हैं, गाड़ी वगैरह अंदर कर देते हैं और चलते हैं घर। बाय, गुड नाइट।